गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर राजधानी दिल्ली के नारायण श्री सनातन धर्म माता मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और इंद्रप्रस्थ संजीवनी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के करोड़बाग अध्यक्ष सुनील कक्कड़ उपस्थित हुए। डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने दोनों अतिथियों को पटका उड़ाकर और भगवान गणेश जी की मूर्ति देकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में आए दोनों अतिथियों ने डॉक्टर संजीव अरोड़ा के साथ भंडारा वितरण भी किया और खुद भंडारे का आनंद भी लिया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि हर वक्त डॉक्टर संजीव अरोड़ा, जिनको गंगापुत्र की उपाधि मिली हुई है, वह धार्मिक काम करते रहते हैं। चाहे शिवरात्रि पर लोगों को हरिद्वार का गंगा जल वितरण करना हो या चाहे कृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों को बांसुरी वितरण करना हो, ऐसे कई धार्मिक काम में संजीव अरोड़ा को मैं देखती रहती हूँ। समाज में ऐसे कार्य लोगों को धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं और लोगों को एकजुट भी करते हैं। वही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए भाजपा के करोड़बाग जिलाध्यक्ष सुनील कक्कड़ ने कहा कि डॉक्टर संजीव अरोड़ा ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करके लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने का बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में एकजुटता फैलती है और लोग धर्म के प्रति जागरूक भी होते हैं। डॉक्टर संजीव अरोड़ा, जिनको गंगा पुत्र की उपाधि मिली हुई है, वह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष इसी मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। गणेश चतुर्थी था, कल गणेश चतुर्थी निकला है, इसका एक वर्ष पूरा हो गया है। स्थापना के एक वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर जी और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं करोलबाग के सुनील कक्कड़ जी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे आकर जो हौसला अफजाई मेरी करी, मुझे जो एनर्जी मिली उनसे, जो ऊर्जा मिली, ऐसे भविष्य में भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। मेरा कहना है, जिस तरह देश प्रेम के लिए राष्ट्र को समर्पित हर व्यक्ति काम करता है, राष्ट्र को समर्पित होता है, उसी तरह धर्म के लिए भी समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। हम ये सृष्टि देख रहे हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाला, हम जिसको भगवान बोलते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये सभी जो हैं ये भगवान का ही रूप है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए। जिस तरह हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, उस तरह के धर्म के लिए भी हमारे को समर्पित होना पड़ेगा और होना चाहिए भी। देखो, जब पिछली बार इन्होंने गणपति जी की यहाँ स्थापना की थी, तब भी संजीव जी ने बुलाया था और संजीव जी धार्मिक आदमी हैं और अब ये संजीव जी नहीं लोग बुलाते, इनको गंगा पुत्र के नाम से बुलाते हैं और हमारे तो छोटे भाई हैं। ये हिंदुस्तान है ना, ये मैं अभी जैसे इनसे बात भी कर रहा था कि भिन्न भिन्न जातियों में होने के बावजूद भी कि हम सब लोगों का धर्म एक है, चाहे कोई नॉर्थ में रहता है, चाहे कोई साउथ में रहता है, चाहे कोई वेस्ट में रहता है, चाहे कोई ईस्ट में रहता है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई को प्रभु इतना सक्षम करे और इतनी शक्ति दे कि इसी तरह से भंडारे कर जाए, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में 20-25% जो लोग हैं ना, यहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बहुत हैं। कम से कम 20-25% आदमी हिंदुस्तान में भंडारों से खाना उनको मिलता है, वो ये सब उस प्रभु की कृपा है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की रचना ऐसी कर रखी। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।